आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दो जगह से लड़ेंगे चुनाव, वाम दल हराएंगे अब राहुल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सीधा संवाद, कहा देश का हर नागरिक चौकीदार। शाह बोले कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ा, कांग्रेस इसके लिए देश से माफी मांगे। बीजेपी के बड़े नेताओं के बुरे हाल, रघुनंदन शर्मा ने कहा हम स्वर्गवासी हो गए। और छत्तीसगढ़ में दाल भात पर राजनीति, गरीब की थाली बनी चुनावी मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार दो सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटोनी ने इस बात की पुष्टि की है। कांग्रेस लंबे समय से राहुल के लिए अमेठी के अलावा एक अन्य सीट और तलाश रही थी, वहीं वामदलों ने राहुल के दो जगह से चुनाव लड़ने का विरोध किया है। अमेठी में कांग्रेस की स्थिति पहले जैसी नहीं है, यही वजह है कि कांग्रेस नेता कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए कोई सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने पर अब राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़ेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटोनी के इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि राहुल ने दो सीटों से चुनाव लड़ने की मांग स्वीकार कर ली है। अमेठी के अलावा दूसरी सीट केरल की वायनाड सीट होगी। इससे पहले केरल कांग्रेस ने राहुल गांधी के सामने प्रस्ताव रखा था कि वे अमेठी के अलावा वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ें, इससे पार्टी को फायदा होगा। केरल में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा शशि थरूर ने इस खबर का स्वागत किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि राहुल डर गए हैं, इसीलिए दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड सीट से लड़ने का राहुल का फैसला वाम दलों को रास नहीं आया है। CPI महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि कांग्रेस का यह फैसला दिखता है कि वे केरल में लेफ्ट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इससे भाजपा को फायदा होगा। अब हम वायनाड सीट पर राहुल गांधी के पुरजोर विरोध करेंगे और उन्हें हराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों के साथ सीधा संवाद किया और चौकीदार शब्द को परिभाषित किया। उन्होंने कहा देश के कोने कोने में बैठा हर व्यक्ति चौकीदार है। मोदी को देश के प्रमुख 5 स्थानों पर लाइव सुना गया। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन को संबोधित किया। मोदी ने कहा आलोचकों के चलते मेरे बारे में लोगों की जिज्ञासा बढ़ी, अब मैं देश का चौकीदार हूँ तो मेरी कोशिश रहेगी जनता के पैसों पर पंजा नहीं पड़ने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश का मजदूर, किसान, शिक्षक, डॉक्टर, विद्यार्थी, व्यवसायी, हर आम और खास आदमी, हर व्यक्ति चौकीदार है। हमें उसको संभालना चाहिए, गांधी जी ये कहते थे। अब आज गांधी जी तो है नहीं, लेकिन उनकी बातें, उनके आदर्श हम सबके लिए प्रेरणा है। लेकिन समयानुकूल शब्दों में बदलाव आता है, स्पिरिट वही रहता है। मेरे लिए चौकीदार ये महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत है उसी की एक छोटी सी पहचान है। और इस अर्थ में और इसलिए यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति, देश के कोने कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो गांव में है वो भी, जो शहर में है वो भी, जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, जो पुरुष है वो भी, जो महिला है वो भी, जो खेत में काम करता है वो भी, जो डॉक्टर है वो भी, जो शिक्षक है वो भी, समाज के लिए काम करने वाला व्यापारी हो, कामगार हो, हर कोई चौकीदार है।
पूरे देश के साथ भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में लोगों ने मोदी को सुना और लोगों ने स्वयं को देश के लिए एक चौकीदार बताया। हालांकि इस कार्यक्रम में भाजपा के लोग ही ज्यादा मौजूद थे, लेकिन मैं भी चौकीदार कैंपेन से लोग खासे प्रभावित नजर आए। जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, जो पुरुष है वो भी, जो महिला है वो भी, जो खेत में काम करता है वो भी। आज क्या कहते हैं पॉलिटेक्निक पे भाजपा का एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर कार्यकर्ता यहाँ पर है ये बताने के लिए कि मैं भी चौकीदार हूँ। हम लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री जी जिनको हम आज चौकीदार कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वजह से वो हमारा देश आज सुरक्षित महसूस कर रहा है। देश जो है वो ये समझता है आज के समय में कि कम्युनिज्म से बढ़कर और रीजनलिज्म से बढ़कर कोई चीज़ है तो वो कहीं ना कहीं मोदी जी उस चीज़ को प्रभावित कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय एकता के अंदर कार्य करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो बस आज सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं बताने के लिए कि हम सब लोग अपने अपने स्थान पर, अपने अपने स्तर पर एक चौकीदार की भूमिका हमारे मोदी जी के साथ निभा रहे हैं। राजधानी का नागरिक आपसे बदला लेने के लिए, अरे आप कोई दिग्विजय सिंह नहीं है जो कहते थे कर्मचारियों के वोट नहीं चाहिए, आप वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने 29,000 संविदा कर्मचारियों के परिवारों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था। आप वही दिग्विजय सिंह हैं जो कहते थे सवर्णों के वोट नहीं चाहिए। आप वही दिग्विजय सिंह हैं जो कहते थे व्यापारियों के वोट नहीं चाहिए। अरे आप वही दिग्विजय सिंह हैं जो ये कहते थे कि चुनाव विकास से नहीं जीते जाते, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी, 2003 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने आपके मैनेजमेंट को फेल किया है और अब ये भोपाल की जनता तो उत्सुकता में बैठी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने पूरी दुनिया में विश्व बंधुत्व का भाव बढ़ाने वाले हिंदू समुदाय को आतंकवाद के साथ जोड़कर बदनाम करने का काम किया है। हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? शायद राहुल गांधी को यह नहीं पता कि हम तो चींटियों को भी आटा खिलाने वाले लोग हैं, लोगों को कैसे मारेंगे? अमित शाह ने कहा इस सब के लिए कांग्रेस को हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के नगीना में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि हार के डर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल भाग गए। नगीना वालों ने तो मोदी मोदी के नारे लगाकर अपनी इच्छा बता दी कि मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, लेकिन ये गठबंधन वाले किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? इनकी ना कोई नीति है और ना कोई रीति, ये तो केवल मोदी जी के डर से एक हुए हैं। चुनाव जीतना हारना बड़ा गम होता है। मैं राहुल बाबा को कहना चाहता हूँ, राहुल बाबा आपने देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया। कांग्रेस के नेता, सपा बसपा के नेता और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा ये, ऐसा कभी भला हो सकता है क्या? मगर ऐसा ही हुआ। इस पर से नगीना वालों को मालूम पड़ना चाहिए चुनाव किसके बीच में होना चाहिए। एक और देश को सुरक्षित करने वाले नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर वोट बैंक के कारण सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कांग्रेस सपा बसपा है, इसके बीच में आपको चुनाव करना है। और ये हमें दड़ गठबंधन गठबंधन गठबंधन, अरे अभी तीन ही हुए हैं, राहुल भैया और प्रियंका को भी ले जाओ, सारे के सारे इकट्ठा होकर आओ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार खड़ी। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का पाप कांग्रेस ने किया, अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए पूरी दुनिया में गौरवशाली हिंदू समुदाय को बदनाम करने का पाप इन्होंने किया है। अमित शाह ने राहुल गांधी और उनके गठबंधन पर तीखे प्रहार किए। छत्तीसगढ़ में अब दाल भात की थाली चुनावी मुद्दा बन गई है। केंद्र सरकार ने 10 रुपए में मिलने वाले दाल भात सेंटर के लिए चावल देने से मना कर दिया है। इसका असर यह हुआ कि कांग्रेस सरकार ने सभी दाल भात सेंटर को बंद करने का फैसला ले लिया। केंद्र और राज्य का आपसी टकराव अब लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है, जबकि विपक्ष और लोगों का कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व्यवस्था को काबू कर पाने में असफल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है। भूपेश ने ट्वीट किया, 2014 में मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही छत्तीसगढ़िया के किसानों का धान का बोनस रोक दिया, अब दाल भात सेंटर को खाद्यान्न देने से मना कर दिया। छत्तीसगढ़िया भोला जरूर होता है
पर कमजोर नहीं। छत्तीसगढ़ विरोधी मानसिकता वाले नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का प्रदेश की जनता ईंट से ईंट बजा देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जवाब दिया है। डॉक्टर रमन ने कहा कि दालभात सेंटर गरीबों के लिए शुरू किया गया था, इसे बंद करके छत्तीसगढ़ सरकार ने साबित कर दिया कि उनका आर्थिक प्रबंध कमजोर है। प्रदेश में भाजपा सरकार के समय से ही 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल दिया जा रहा है, ऐसे में क्या राज्य सरकार चावल का इंतजाम नहीं कर सकती है? यह प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति के लिए बड़े बड़े वादे करती है, प्रदेश आर्थिक अराजकता की स्थिति में फंस गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है। भूपेश ने ट्वीट किया, 2014 में मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही छत्तीसगढ़िया के किसानों का धान का बोनस रोक दिया, अब दाल भात सेंटर को खाद्यान्न देने से मना कर दिया। छत्तीसगढ़िया भोला जरूर होता है पर कमजोर नहीं। छत्तीसगढ़ विरोधी मानसिकता वाले नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का प्रदेश की जनता ईंट से ईंट बजा देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जवाब दिया है। डॉक्टर रमन ने कहा कि दाल भात सेंटर गरीबों के लिए शुरू किया गया था, इसे बंद करके छत्तीसगढ़ सरकार ने साबित कर दिया कि उनका आर्थिक प्रबंध कमजोर है। प्रदेश में भाजपा सरकार के समय से ही 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल दिया जा रहा है, ऐसे में क्या राज्य सरकार चावल का इंतजाम नहीं कर सकती है? यह प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति के लिए बड़े बड़े वादे करती है, प्रदेश आर्थिक अराजकता की स्थिति में फंस गया है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। घर अपने खुशियां ले आओ। आइसक्रीम, ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पार्टी के रवैये से खासे नाराज है। पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा का दर्द तो ऐसे छलका कि उन्होंने कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्गवासी हो गए। भोपाल में अब वरिष्ठ नेताओं को सम्मान नहीं मिलता है, या यूं कहें उन्हें हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा का कहना है, हम तो पार्टी के लिए स्वर्गवासी हो गए हैं। वरिष्ठ नेताओं को पुराने कपड़ों की तरह खूंटी पर टांग कर रख दिया है। नहीं नहीं, देखिए मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता जो पुराने हो गए हैं, अब उनको पुराने कपड़ों की तरह से अब खूंटी पर टांग दिया है, इसलिए हमारा तो कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। कुछ लोगों की निगाह में तो हम स्वर्गवासी हो गए, और ऊपर से दृष्टा बन करके देख रहे हैं। अब हमारा समय जो है दृष्टा बन के देखने का बचा है। पार्टी 29 सीटें जीते प्रभु से ये कामना करते हैं, और ऊपर बैठ करके स्वर्गीय आत्मा बन करके हम सब दृश्य देख रहे हैं। उनका कहना है, पार्टी भले ही हमें स्वर्गवासी माने, पर हम स्वर्ग से भी दृष्टा के रूप में यही कामना करते हैं कि भाजपा मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 सीटें जीते। शर्मा ने यह भी कहा कि भले ही कार्यकर्ता, जनता और मीडिया हम जैसे नेताओं को वरिष्ठ मानती हो, पर जिन लोगों के हाथों में पार्टी नेतृत्व है वह भी तो हमें ऐसा माने। बीजेपी सरकार के मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ल के बड़े भाई विनोद शुक्ल कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ रिटायर मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव को भी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। शिवराज सिंह की बीजेपी सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ला के बड़े भाई विनोद शुक्ला ने
कांग्रेस का दामन थाम लिया है। विनोद शुक्ला पहले भी कांग्रेस में रह चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव भी कांग्रेस से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय कमलनाथ जी, उनका जो विकास का मॉडल है और जो किसानों के लिए जो उनकी सोच है और जिस ढंग से उन्होंने किसानों के लिए जो कि आत्महत्या कर रहे थे उनके लिए जो उन्होंने योजना बनाई है और उनका जो छिंदवाड़ा मॉडल है जो कि उन्होंने संकल्प लिया है कि पूरे प्रदेश में लागू करेंगे, उन सब से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करूँगा। सर देखिए, ऐसा है, पहली बात मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, दूसरी बात यह है कि मैं मैरिट से पढ़ा हुआ हूँ, तीसरी बात मैंने 37 साल देश की सेवा फौज के द्वारा करी है। आगे आने वाले समय में क्योंकि अब मैं रिटायर हो गया हूँ तो उसी देश की सेवा अब मैं कांग्रेस के थ्रू करूँगा, क्योंकि देश की फौज में और कांग्रेस में बहुत सारी समानताएं हैं जी, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, हर एक आदमी का ध्यान रखती है और देश के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस मुख्यालय में एमपी कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इनको कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। सीएम कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति देश की संस्कृति है, कांग्रेस दूसरों को जोड़ने में विश्वास करती है। सभी यहाँ जो कांग्रेस परिवार में आज सम्मिलित हुए हैं, आप सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं, इन्होंने जो प्रदेश की और देश की तस्वीर है उस तस्वीर को पहचानते हुए इन्होंने तय किया कि हम सच्चाई का साथ देना चाहते हैं और ये तस्वीर देश के हर मतदाता देख रहे हैं। सबने अपने अपनी जगह अपने अपने स्थान में समाज सेवा का उदाहरण रहे हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि कांग्रेस को इनके सम्मिलित होने से मजबूती मिलती है। कमलनाथ ने कहा लोग कांग्रेस के साथ हैं। भोपाल से बीजेपी को उम्मीदवारी तय करने में पसीना आ रहा है। भाजपा को कायदे में उम्मीदवारों को लेकर एक विज्ञापन निकालना चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस एमपी में 22 लोकसभा सीट जीतेगी। चुनाव के आया नेताओं ने उठपटांग बोलना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की ओर भागते नजर आएंगे। सीहोर के आष्टा में पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी और चुनाव हार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागकर पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस की सरकार को किसान हितैषी सरकार बताया और कहा कि किसानों के कर्ज माफी में कांग्रेस ने जो कमाल किया है वह अपने आप में अब तक का सबसे अच्छा उदाहरण है। भोपाल में भी फटाके फूटेंगे, दिल्ली में भी फटाके फूटेंगे और जो भाग भाग के नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जा रहे हैं ना, ये सीधे पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएंगे। नवाज शरीफ को बुलाता है, नवाज शरीफ जहाँ जाता है तो ये वहीं शिफ्ट हो जाएगा। ये मूर्ख लोग हैं, अभी नरोत्तम मिश्रा के घर पर कांग्रेस है, हजारों किसानों की लिस्ट दी कि इनका कर्जा माफ़ हो गया है। अभी तक लगभग 22 लाख किसानों का कर्जा माफ़ जो ड्यू है और जो ओवर ड्यू दो ही मिला के बचे हुए किसानों का कर्जा जिसी चुनाव समाप्त होंगे हम 100% उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, सारी व्यवस्था होगी। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है।
और पात्रता के आधार पर पाएं बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने अपने विभाग के 100 दिन की उपलब्धि बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने गांव का विकास नहीं किया था, अब हम हर गांव को सड़कों से जोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए कांग्रेस सरकार के मंत्री अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। चुने गए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 200 से कम आबादी वाले गांव में भी सड़क बनाई जाएगी, चाहे वो आवास योजना हो चाहे ग्रामों में सड़कों का। तो हमने तय किया है कि हमारी कोई भी ग्राम पंचायत, हमारा कोई भी 200 से कम के भी आबादी वाले अगर गाँव होंगे, सड़क कनेक्टिविटी से हम जोड़ेंगे। और कोई भी ऐसा गांव हम नहीं छोड़ेंगे जो सड़क विहीन है। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा पुल पुलिया नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में हमारी माता बहन कई बार डिलीवरी तक प्रसव पीड़ा में खत्म हो जाती है या पालकी में बिठा के ले जाना पड़ता है। ऐसे हम लोग काम करने जा रहे हैं। पटेल ने कहा, आजीविका मिशन में भाजपा सरकार ने केवल भ्रष्टाचार किया, लेकिन कांग्रेस सरकार स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली बहनों को मजबूत करने में लगी है। बहुत जल्द ही प्रदेश में 7 पोषण आहार केंद्र बनाकर शुरू हो जाएंगे। खाद्यान्न में कांग्रेस सरकार ठेकेदारी प्रथा खत्म करने जा रही है। चुनाव आचार संहिता में चेकिंग अभियान के दौरान अमरकंटक एक्सप्रेस से 46 लाख रुपए बरामद किए गए। जिस व्यक्ति से यह रुपया बरामद किया गया, वो भी इसके बारे में ठीक से कोई जानकारी नहीं दे पाया। यह कार्यवाही गाडरवारा GRP पुलिस ने की। आचार संहिता के दौरान ट्रेन में भी निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा GRP पुलिस ने 46 लाख की नकदी पकड़ने में सफलता पाई। जबलपुर से भोपाल जा रही अमरकंटक एक्सप्रेस के स्लीपर कोच से विदिशा निवासी गौतम कुमार कुशवाहा नामक व्यक्ति से पॉलिथीन की थैली में पैक कर रखे गए 46 लाख रुपए बरामद किए गए। आरोपी इस पैसे को भोपाल ले जा रहा था, जब्ती की कार्यवाही GRPF थाना गाडरवारा द्वारा की गई। SDM और इनकम टैक्स अधिकारी ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर SP ने बताया कि अभी राशि को लेकर कोई भी सामने नहीं आया। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राशि का चुनाव में उपयोग किया जा सकता था। हम लोगों को कई दिनों से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि पैसा जा रहा है, और उस इन्फॉर्मेशन पे आजकल क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उसकी कारण से हम लोगों ने अपने गार्ड को एक्टिवेट किया हुआ था, और यहाँ पर SST टीम भी बनाई हुई थी। और उस टीम के द्वारा जब हमारी गार्ड को ये पता चला कि उसने पूछा इससे कि भाई तुम्हारे बैग में क्या है, तो ये संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। तब फिर और चेक करके पूछ देखो क्या है, तो पता चला कि इसके अंदर कैश है। और कैश के बारे में जब पूछा तो इसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर कैश है, मुझको मदन महल से पैसा दिया गया था और मैं सरफराज खान हैं कोई फिजा के, उनके लिए काम करता हूँ। तत्काल हम मेरे द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर को इन्फॉर्मेशन दी गई, सब लोग तत्काल यहाँ पर आए, जो FST की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की गई है। बेखौफ बदमाश वारदात करने से बाज नहीं आ रहे। इन बदमाशों को डर नहीं, शहर के बीचों बीच लूटपाट भी करते हैं और गोलियां भी चलाते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की सख्ती के बीच भी इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेराह ज्वेलर्स के कर्मचारी को गोली मार दी और बैग छीनकर भाग गए। क्या वाकई शहर में पुलिस सख्ती से चेकिंग कर रही है? इस बात पर सवालिया निशान उठता है। अगर वाकई पुलिस सख्त होती तो बदमाश इस वारदात को अंजाम नहीं दे पाते। यह वारदात कोतवाली थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर रात 9 बजे घटी है। यूनानी सफा खाना के पास अग्रवाल ज्वेलर्स के ड्राइवर अब्दुल से पहले तो बदमाशों ने बैग छीनने की कोशिश की। जब ड्राइवर अब्दुल ने बैग नहीं छोड़े तो दनादन अब्दुल पर 3 गोलियां दाग दी। ड्राइवर अब्दुल गोली लगने से पास में खड़ी एक गाड़ी पर बेहोश होकर गिर गया। अग्रवाल ज्वेलर्स के मालिक जगमोहन रोज की तरह दुकान बंद कर घर जाने को निकले। रोज की तरह ड्राइवर अब्दुल साथ ही था।
रोज की तरह दो बैग भी साथ में थे, जिसमें वो नकदी और जेवर घर ले जाते थे। उनकी गाड़ी यूनानी सफाखाना के पास पार्क रहती है। वे ड्राइवर के साथ गाड़ी तक पैदल ही जाते हैं। यह सारी बात बदमाश जानते थे और घात लगाकर बैठ गए थे। इसीलिए बदमाशों ने पूरी प्लानिंग के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। मगर इस बार बैग में सिर्फ खाली टिफिन था। ड्राइवर अब्दुल ने इस बैग को बचाने की भी कोशिश की, मगर बदमाशों ने गोलियां चला दी। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। घर अपने खुशियां ले आओ। आइसक्रीम, ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रीवा के कलेक्टर ने स्कूल के दबाव में किताबों और ड्रेस खरीदने पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूल में धारा 144 लगाकर ड्रेस और किताबें बेचने पर रोक लगाई है। किताबों और ड्रेस की दुकानदारी चलाने वाले स्कूलों पर रीवा कलेक्टर सख्त हो गए हैं। विजेंद्र गौतम ने कलेक्टर से शिकायत की थी कि निजी स्कूल में मनमाने ढंग से किताबों और गणवेशों की खरीदी के लिए दुकानों को चिन्हित कर रखा है। साथ ही स्कूलों से ही बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई वस्तुओं की बिक्री भी की जा रही है। कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें अभिभावक और छात्रों को किताब और ड्रेस को लेकर के जो समस्या आ रही थी, उस विषय को मैंने एक ज्ञापन के माध्यम से व्यवस्थित रूप से रखा था। उस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर महोदय ने इस बार तात्कालिक कार्रवाई जो की है, उस पर मैं उनका आभार प्रकट करने आया हुआ था। क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में जब भी कोई घटना घटती है और चूक हो जाती है प्रशासनिक अधिकारियों से, तो हम तत्काल में उनके खिलाफ भी बोलते हैं और उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन जब कोई प्रशासनिक अधिकारी तत्काल में कोई कार्रवाई करता है, तो हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं उनको आभार प्रकट करने में, या प्रशासन की अच्छे कामों को प्रोत्साहन करने में, या कहना चाहिए कि अधिकारियों को उसके बारे में हम उनका आभार प्रकट नहीं करते। जिसके बाद रीवा कलेक्टर OP श्रीवास्तव ने सख्त रुख अपनाते हुए स्कूलों में धारा 144 लागू कर दी। यह आदेश जारी किया कि अब कोई भी स्कूल गणवेश और किताबों की बिक्री नहीं करेगा और ना ही अभिभावकों को किसी निश्चित दुकान में जाकर खरीदी करने के लिए प्रेरित करेगा। जो निजी स्कूल है, इनकी पुस्तकें किसी विशेष दुकान पे मिलती है, या स्कूल से ही लेने के लिए बाध्य किया जाता है, या जब दुकान पे जाते हैं और कोई एक पुस्तक चाहता है तो दुकान वाला कहता है आपको तो पूरा सेट लेना पड़ेगा, हम एक बुक नहीं देंगे, तो जगह जगह इसको लेके काफ़ी झगड़े हो रहे थे और लोगों का शोषण भी हो रहा था। इसको हम लोगों ने प्रतिबंधित किया है, कुछ नियम बनाए हैं धारा 144 में। उसमें पहला तो यह है कि सभी दुकानदारों को ये सूचना पटल पर लगाना पड़ेगा कि उनके यहाँ कौन कौन सी किताबें उपलब्ध हैं, और कोई भी व्यक्ति कोई भी किताब खरीद सकता है, उसको कोई सेट लेने के लिए बाध्य नहीं करना पड़ेगा, किया जाएगा। यही स्थिति स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में है। अगला यह है कि कोई भी स्कूल किसी विशेष दुकान के लिए बाध्य नहीं कर सकता बच्चों को या पालकों को कि वो वहीं से दुकान अपना बुक्स या यूनिफॉर्म खरीदें, तो स्कूलों को भी अपनी इस आशय की सूचना अपने स्कूलों में लगाना पड़ेगी। कलेक्टर ने साफ किया कि अगर कोई भी निजी स्कूल आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उनके इस निर्णय से अभिभावकों में प्रसन्नता है और कलेक्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खेत में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय रहवासियों से लेकर प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। सीहोर शामपुर के खेत में खड़ी फसल में अचानक आग लग गई। हवा तेज चल रही थी तो आग बेकाबू हो गई और खेतों से भड़कर रहवासी क्षेत्र में फैल गई।
किसान की खड़ी फसल में आग लग गई और देखते ही देखते 10 एकड़ का खेत जलकर खाक हो गया। आग हवाओं के कारण तेज होती गई और मकानों तक पहुंच गई और एक झुग्गी भी जल गई। मौके पर स्थानीय लोग और दमकल की 5 से अधिक गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगी रहीं। इस आग से किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है। एसडीएम ने भी मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपके काम की एक बड़ी खबर, घर घर में सौर ऊर्जा पहुंचाने के लिए पहली बार अब मध्य प्रदेश शासन सब्सिडी देगा और आपको 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम कनेक्शन 1.5 लाख के बजाय 75,000 रुपए में ही मिल सकेगा। मतलब यह कि महीने में 250 यूनिट बिजली बनाने वाला 2 किलोवाट का सिस्टम आधी कीमत में मिल जाएगा। सरकारी सूत्र बताते हैं कि नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत आप एक्सेस बिजली को बिजली कंपनी को बेच सकेंगे। अगर आपका बिजली बिल 250 यूनिट आता है तो 2 किलोवाट का सिस्टम आसानी से घर को चला सकेगा। अभी तक केंद्र से 30% सब्सिडी मिलती थी, जिसमें 20% और बढ़ाई जा रही है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने टेंडर फॉर्मेट तैयार कर लिया है। इस योजना के लागू होते ही सरकारी इमारतों संस्थानों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म भी करने की तैयारी की जा रही है। ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से अधिकृत कंपनियों से सोलर सिस्टम आमजन खरीद सकेंगे। इसमें 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और आगे 3 किलोवाट के सिस्टम तैयार करके दिए जाएंगे। इस सिस्टम को लगाने के बाद कंपनी की ओर से गारंटी वारंटी भी दी जाएगी और इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद उपभोक्ता ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में सब्सिडी के लिए क्लेम करेगा। इसके बाद उसे सब्सिडी की राशि भी मिल जाएगी। इस योजना में निगम अलग अलग कंपनियों को काम देगा। अलग अलग कंपनियों को अधिकृत करने से उपभोक्ता के पास चुनाव का विकल्प रहेगा। इसे जिस अधिकृत कंपनी से सिस्टम लेना ठीक लगेगा वह उससे ले सकेगा। तेज रफ्तार जानलेवा होती है। आए दिन तेज रफ्तार गाड़ियों से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। नीलगढ़ इलाके में भी एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी से जा रही 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। टक्कर से एक महिला ट्रक के पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे 108 की मदद से हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आपके साथ हैं अब जर्जर भोपाली, वो सुनाएंगे आपको बहरन समाचार। नमस्कार, बहरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और आज तो भैया बड़ी खुशी का दिन है। अल्लाह मियाँ जरा रसगुल्ले वगैरह खिलाओ सबको। अरे भैया हमने क्या हुआ, अंतरिक्ष में इतनी ताकत पैदा कर ली है, ऐसी बेटी बेटी मिसाइल जाएगी, दुश्मन का सैटेलाइट को खत्म कर सकती है। ये ताकत पहली बार आई अपने यहाँ और बता रहा हूँ, ये दुनिया में अपना 4th नंबर आ गया है। अमेरिका, उसके बाद रशिया, रशिया के बाद चाइना और फिर अपन इंडिया। और इस पर पाकिस्तान बोल के ऐसे बोन बना गया, बता रहे हैं ऐसे भिड़बड़ा रहा है, इसको ऐसे घबराहट होने लगती है। यानी क्या, अरे तेरे ऊपर डालना है कि भैया। और मैं बता रहा हूँ कि भैया ये भुनभुना रहा है ये तो ठीक है, इसको भुनभुनाने से यहाँ के विपक्षी दल क्यों भुनभुनाने लगती है। अरे ये देश के गौरव की बात है, अपने सम्मान की बात है, कभी तो तारीफ करो। मैं बता रही हूँ हो क्या जाता है। वो ममता बनर्जी और ये मायावती कह रही है आचार संहिता का उल्लंघन। अरे मैं कह रहा हूँ अगर तुम प्रधानमंत्री होती तो तुम भी करती ना। कौन ऐलान करता, देश का जो मुखिया होगा वही तो ऐलान करेगा ना। और फिर जो वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो तो बैठे ही साथ में, वो तो कर ही रहे हैं। ये DRDO के पूर्व चीफ हैं सारस्वत जी, ये कह रहे हैं कि इन्होंने है ना पहले ही तैयारी कर ली थी, लेकिन ये उस समय ये प्रधानमंत्री अपनी मनमोहन सिंह जी उन्होंने ऑर्डर दिया नहीं, तो ये वो तो पहले ही हो जाता है, ये धमाका बता रही हूँ। अब कांग्रेसियों को खुश होना चाहिए, तैयारी पहले चल रही थी ना, उसमें क्या है। लेकिन उसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए ना भैया ऑर्डर देने के लिए, तो दे दिया इनने, इसमें तकलीफ आएगी, ये अच्छी बात है। हाँ, और राहुल गांधी ने भैया मोदी जी को वर्ल्ड थिएटर डे पे है ना बधाई भेजी है। और मैं कह रहा हूँ इस समय इंडिया में 2 बड़े एक्टर हैं, इनसे बड़ा कोई एक्टर है नहीं, एक तो राहुल गांधी एक नरेंद्र मोदी। और भाई राहुल गांधी से बड़ा कॉमेडियन कोई है क्या इस समय। और नरेंद्र मोदी भैया एग्रेशन वाले एक्टर हैं दोनों, ये बधाई दी है तो बड़ा अच्छा काम किया। मोदी जी को भी इनको बधाई देना चाहिए, तुम भी अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ, और मैं बता रहा हूँ जब से ये राफेल का चक्कर चलाया नहीं आकाश में, तब से है ना ये मोदी जी है ना एयर स्ट्राइक ही कर रहे हैं, हवा में खेल रहे हैं। पहले एयर स्ट्राइक कर दिया, अभी सैटेलाइट करवा दिया, तो बता रही हूँ ये मत छेड़ो, ये हवा में चलता रहेगा मामला। और ये रघुराम राजन है जो पूर्व गवर्नर है ना RBI की, ये कह रहे हैं कांग्रेस की जो योजनाएं बहुत अच्छी हैं, ये हैं वो हैं। और मैं तो अंदर की बात समझ लेता हूँ, इनका भी मन कर रही है चुनाव ना लड़ने का, बता रही हूँ ये पार्टी वार्टी में आने वाले। हाँ, और ये नरेंद्र मोदी के ऊपर ये बायोपिक बन रही है, ये PM नरेंद्र मोदी,
पता नहीं ये हो एक स्ट्राइक ही और होने वाली है। अभी देखो विपक्षी दल की चिल्लाते हैं। हाँ और भैया कांग्रेस जी बहुत परेशान थे, सपना चौधरी ने मना कर दिया आने से, और मैं बता रहा हूँ उनके लिए खुशी हो गई कल, और मेरा मतोहन करने आया कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब उनके भी लड़के झड़के देख लो भैया, तुम खुश हो जाओ उसमें क्या है। या ही रे जो लगे ना तिरे वो जे रंगीला, ये सब गाई और मेरा भी मन हो रहा है भाई नाचने गाने का, मैं भी जा रहा हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।